ਇਹਨੇ ਖੱਫਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਕੁਝ ਚਿਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਖਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੁਨੀਟੀ ਮਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਜ ਜਾਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਬੜ ਲਾਂਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਿਬੜ ਦੇਂਗਾ ਮਾਰ ਦੇਂਗਾ ਓਏ ਪੌਂਡ ਹੀ ਕਹਨੇ ਓ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਜਾਨ ਤੇ ਐ ਪੌਂਡ ਦੇ ਉਹ ਦੇਖੀ ਕਰੰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਭਾਗਦਾ ਬੰਦਾ सोने में पुराने बेचता पे आवा भाईन परे पे पैसे चुकी फिरते हुए हजार वाली कॉपी 10 रुपए वाली जो कॉपी है 1000 रुपए की है लेकिन ये 1600 1500 रुपए की दे रहे हैं मेरा भाई शहजादा भाई क्या हाल है भाई मैं इंसानों की आइटम चो इंसानों की आइटम चो मैं क्या मैं भरान दसदा जावा हर तरह के बखरे बखरे ने तुसी भी आइटम हो अलग शक्ल है अलग खाते मेरे तो ज्यादा हाइट है मैं बड़ा तेन वेखना ही मैं एक वकड़ी है चलाया के जरूरत ही नहीं की तेरे खान रा तेरी मेहरबानी की मतलब ओए इथे इथे बंदा आ रहा नाराज हो मेरे तो नाराज हो ओए असी अपने आप तो तेरे तो भी नाराज नहीं है बंदा अपने आप तो होवे ते यार बंदे तो ही नाराज हुंदा अल्लाह रहम करे की होया मेरे भरा नु अल्लाह रहम करे की गल हो गई मेनू की लोड़ है तेनु बजा दसन दी अपनी मजबूरी दसन रोकन नहीं मसले मसाइल ही सुन मसले दस लेने हल हो बड़े हल होंगे नाराज क्यों गुस्से क्यों इन्हें खफा क्यों कुछ चेहरे होंगे ने जिन्होंने बंदा वेख के गफा हो जाता अच्छा अस मैं उन्होंने चेहर चो तू उन्होंने चेहर चो तो सुलह कर लो सुलह ही सुलह तेरी साड़ी सुलह कर लो नाराजगी मुका लो करनी जफी पा के जफी पा के अल्लाह पाक तेरा भला करे मुनीटी मार दे ताकि तेरा गुस्सा लग जाए तू मैनू नहीं मार सकता मैं तो गुस्से आई नहीं डरना तू मैनू मारना मुंडे तुम अच्छे बड़े लगते हो मुंडे तुम अच्छे बड़े लगते हो मुंडे तुम अच्छे बड़े लगते हो तुम मैं आप ही कह के मैं देख के तेरी शक्ल गुस्सा चढ़ जाता है इट मार देना अपना गुस्सा कर दिया कहदे मुलाजम हो जिते भी मुलाजम हो तुम मैं इस गल का जवाब दो कि तुम मूँह तू लाते ने ताड़े मूँह से कि ऐसी कशिश चलो आओ मैं थप्पड़ मार दो आ जाओ हिम्मत करो ना नहीं मैं मूँह नहीं लाते लफ्ज़ कह रहे हो कि तुम लाते ने मैं कहना ताड़े वाल लोग वेखते भी किवें ने ताड़े वाल वेखते भी किवें ने लोग मेरे तो ज्यादा हवास तेरे मजबूत नहीं सब तो पहला मीडिया नु अपना आप जेड़ा ना सब तो पहले तानू अपनी तमीज सीखनी चाहिए है दो नंबर ही करना है मैं एक काम ही नहीं करता जिसे कर दो ना आपे और सीट उसी ये चलाएंगे नहीं नहीं दस ना मैं तेन फिर निपट लांगा तुम उन्होंने निपट देगा मार देगा खिलौने क्यों नहीं कैमरे के मुंह क्यों नहीं कर दे करो ना और बात तो तुम्हें निपटना भी है वो बात ही कर ले जो कुट भर रहे हो विचो तारा तरा निकलिया है हैं कोई तरा नहीं निकलिया यार जान धाड़ी रंग लाल होया है तू मेरा रंग लाल होया है यार मेरा कैमरा ही तोड़ दे यार क्यों मैं क्यों तोड़ा मेरा भाई तू गल भी नहीं करता खड़ा होके क्यों मैं क्यों गल यार आपे ही तू कह मन्नू ते मीडिया ले अपना इमेज नहीं सही करदे हुन असी गल कर रहे हैं प्याना वो तोड़ के ए हाल है तेरा ये सारे माशरे के वो खुदारा नाजरीन ये वो दलाल हैं जिन्होंने हमारे मुल्क को खोखला करने में अपना वो किरदार अदा किया हुआ है जिससे कोई जांच ही नहीं सकता ये आपको अंदर से पुराने नोट लेके खस्ता हाल नोट लेके अपना कमीशन रखते हैं और आपको दूसरा नोट दिलवा देते हैं यानी कि 1000 रुपये के नोट के ऊपर 300 रुपये ये कम अज़ कम कमा लेते हैं जबकि वही शख्स लाइन में लगे तो पूरा 1000 रुपये का नोट चेंज कर सकता है दूसरी इनकी दो नंबर की कमाई क्या होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ ये प्राइज बोंड देते हैं और वो भी जाली सारे जाली प्राइज बोंड और लोगों के हाथ में थमा देते हैं क्योंकि प्राइज बोंड को चेक करने का फार्मूला लोग अपनी गाड़ियों में नहीं रखते वो मशीनें नहीं रखते वो करोड़ों रुपये की मशीन होती है आप अंदाज़ा करें इनकी हरकतें कि सरेआम सड़क के ऊपर लूट घसूट और जब ये मेरा चेहरा देखते हैं और फिर इतनी बातें भी करते हैं और फिर इनकी मर्दानगी का आलम भी ये है कि भाग जाते हैं आप आइए आगे चलते हैं और आगे आपको आपको दिखाते हैं कि ये कितना बड़ा माफिया है यार कोई बात नहीं करें भैया ना आपका हक है
हक है भाईजान करेंगे। देखिए ना नाजरीन, ये करेंसी का और प्राइस बोंडों का काम हो रहा है, ये सलूका पहना हुआ भरा हुआ कैश से, ये देखिए ओए बॉन्ड ही गने और यार छोड़ दे यार जानते है बॉन्ड दे। आए नाजरीन हम आपको और भी दिखाऊं, यहाँ पे ये स्टेट बैंक की छत्तर छाया में एक बाघ भी है, वो देखे करेंसी लेके भाग रहा बंदा। भाईजान खलो जाओ, जरा खलो जाओ भाईजान, खलो जाओ ਭਾਗਿਆ ਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਰੰਸੀ ਦਿੰਦਾ? ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਸੋਨੇ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਭਾਈਆਂ, ਪਰੇ ਪੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੰਟੀ ਕੌਣ ਕਰਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਸੀ ਵੇਚੋ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਟੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੇਲ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਈ ਜਾਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਰੀਜ਼? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਕਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਕੌਣ? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਫੀਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਗਨਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਭਾਈ ਇਹ ਕੌਣ ਆਖਰ ਹੁੰਦਾ ਸਰਗਨਾ? ਸਰ ਇਹ ਬਹੁਤ, ਇਨਕਾ ਤਾਂ ਹਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੋਤੇ ਹੈ ਸਰਗਨਾ ਇਨਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਕਾ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾ ਆਪਣੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇਖਿਆ ਯਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਿੰਤਹਾ जाम हुई, ट्रैफिक भी जाम हुई हुई है। और फिर सबसे बड़ी मजे की बात ये है, आए दिन इनकी अपनी लड़ाइयाँ, हम बहुत परेशान हैं, ये हमारा ऑफिस है, हम इस वजह से इनकी वजह से बहुत परेशान हैं, आए दिन ट्रैफिक। आप सुबह आप शिकायत कर करके थक गए, लेकिन कोई इन पे करते क्या है ये काम? ये बस आते हैं कस्टमर, बॉन्ड लेते हैं, बॉन्ड देते हैं, पता नहीं क्या करते, फ्रेश कापियाँ देते हैं। देखें 1000 वाली कापी, 10 रुपये वाली जो कापी है 1000 रुपये की है, लेकिन ये 1500 रुपए की दे रहे हैं, यानी 600 रुपए ऊपर कमा रहे हैं। तो यानी इसका मतलब बैंक के लोग स्टेट बैंक के मिले हुए हैं? जाहिर सी बात है, अगर ना ये हो सकता है, ये ना स्टेट बैंक से न्यू कॉपीज जो होती है ना, उनके लोग मिले हुए हैं, वो इनको कॉपीज आगे बेचते हैं। ये कहते हैं कि हमें जो है ना ये 500 की मिलती है और हम 600 की आगे देते हैं। ये अंदर के लोग मिले हुए हैं, क्योंकि यहाँ अंदर के लोग मिलती नहीं है कॉपीज। अभी हम लेने चले जाए हमें तो नहीं देंगे वो? नहीं नहीं, आप तो लाइन में लगे रहेंगे। वो तो नहीं देते स्टेट बैंक, आवेगा आवे ही बिगड़ा हुआ है। हमारे मुल्क में डॉलर नहीं है, हमारे मुल्क में कैश नहीं है, हमारे मुल्क में प्राइस बॉन्ड नहीं है, हमारे मुल्क में मनी का काम कोई नहीं है। वो देखे बाबा जी के पास कितने कितने बॉन्ड है और वो खुले आम बेच रहे हैं। बाबा जी तेरे मगर हों कौन है? ATM अमाउंट लेके किस तरह फिर सकते हो? ना 10000 से तेरी जेब ये भी 50000 होने, मेरी जेब 10000 रुपया जे मैं भी मार ले। हेलो हेलो देख लो, हेलो हेलो मैं पिछे आए नाजरीन आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। नाजरीन वो पुलिस की गाड़ी खड़ी है और ये देखें सरेआम धंधा चल रहा है, दर सरेआम चल रहा है। अम्मा की हाल है? हाँ काफ़ी दिन बाद। अम्मा किन्ने लोग ने तेरे मगर काम करना? मार्केट जलाने हैं। लेकिन पीछे को बंदा तो है ना तेरे को, अपने को तो चुवानी नहीं मार्केट उधार ले ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਧਾਰ ਲੈਨੇ ਆ? ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ? ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਛਾਲਮੀ ਵਾਲੇ, ਛਾਲਮੀ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ? ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀਆ ਪੂਰੀ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਿਸਕ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੇ ਕੇ ਲਈ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਹੱਥ ਮੇ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾ ਔਰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਕੀ ਕਾਫੀ 1600 ਕੀ ਵਿਕਤੀ ਹੈ ਔਰ 600 ਰੁਪਏ ਬਚਦਾ ਹੈ ਇਨਕੋ, ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੇ ਕਿੰਨਾ? 20 रुपये 600 बचता है। 20 भी पाई देने बस और कम पाई देने 20 दे बाकी जेड़े उनु पाई देने तुझे ना सकना कर लवे बस कर। ये देखे ना ये सारा कैश सिर्फ इस मासूम औरत के पास, अकेली औरत के पास है और बाकी हालत आप खुद सोचें कि क्या हो। पाकिस्तान में अक्सर ये कहा जाता है कि ना तो डॉलर हैं और ना ही रुपया है और रुपया अपनी तौकीर खोता चला जा रहा है। अब आप मुझे ये बताएं जब सरेआम रुपए का धंधा बाज़ारों के दरमियान में होना शुरू हो जाएगा तो फिर मुझे ये बताइए इसके पीछे कौन लोग होंगे, उनकी तलाश करना किन लोगों का काम है? FIA एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, क्या वो नहीं देखना चाहती यहाँ पर
और अगर हम उसके ऊपर सवाल उठाए तो वो क्या हमें ही गिरफ्तार कर लेगी? ये एक सवालिया निशान है। कब तक ये गोरख धंधा चलेगा करंसी का, और कब तक हमारे रुपए की बेतुकीरी ऐसे होती रहेगी? इसके पीछे सरमायाकार लाखों रुपया करोड़ों रुपया कब तक कमाता रहेगा? अब तो ये लोग मेरी शक्ल देख के भाग भी जाते हैं। स्टेट बैंक और अंदर का माफिया सारा मिला हुआ है, और ये चौपट नगरी, अंधेर नगरी चौपट राज है। कब तक ये होगा, कब तक होगा? आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।